हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा समाजशास्त्र में भारतीय विचारक जो हैं जीएस घुरिए साहब पे वीडियो है, जिनको कि हम भारतीय समाजशास्त्र के जनक भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था आपका 1893 में और इनकी मृत्यु हुई 1983। तो इनको भारतीय आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। इन्होंने ही इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1952 में। करी थी इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952 में, और उसी सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा एक सोशियोलॉजिकल बुलेटिन प्रकाशित की गई थी। और ये सब काम सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था, इसलिए इनको आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। और घुरिया जी ने जो है पैट्रिक गिट्स के निर्देशन में सबसे पहले एक शोध पत्र लिखा था, जिसका कि नाम था एक नगरी केंद्र के रूप में मुंबई। तो ये इनका पहला रिसर्च पेपर था घुरिया जी का। और आप गोविंद, इनका पूरा नाम आप जान लीजिए, गोविंद सदाशिव घुरिए। तो इनका पहला शोध पत्र था एक नगरी केंद्र के रूप में मुंबई। और फिर उसके बाद घुरिया साहब ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर अपना पीएचडी का काम भी किया, पीएचडी पे रिसर्च वर्क किया। और ये इन्होंने जो है प्रोफेसर आर एच रिवर्स के निरीक्षण में ये कार्य किया। लेकिन प्रोफेसर आर एच रिवर्स जो थे, उनके पीएचडी का रिसर्च वर्क पूरा नहीं करवा सके, उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद इनका पीएचडी वर्क प्रोफेसर ए सी हेडन ने पूरा कराया, जो इन्होंने 1932 में रिसर्च वर्क पूरा किया। और इनकी जो पीएचडी थीसिस थी, उसका शीर्षक था भारत में जाति और प्रजाति, है ना, कास्ट एंड सब कास्ट इन इंडिया। इनका शीर्षक था भारत में जाति और प्रजाति, पीएचडी में, जो इन्होंने आर एच रिवर्स और ए सी हेडन के निरीक्षण में किया पूरा। और जो इनके शोध अध्ययन की विधि है, जो इन्होंने अपना लेख लिखे हैं इतने समाजशास्त्र से रिलेटेड इनका अध्ययन है, मैक्सिमम इनका अध्ययन संबंधित है, जो इनकी अध्ययन की पद्धति है वो है इनकी तुलनात्मक, ऐतिहासिक और क्षेत्रकार, मतलब कंपरेटिव हिस्टोरिकल और फील्ड वर्क। और इनका इंडोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र में इंडोलॉजी यानी भारत वाङ्मय, इंडोलॉजी मीन्स भारत वाङ्मय, भारत विद्या का अध्ययन इनका बहुत फेमस है। और इंडोलॉजी या भारत वाङ्मय क्या है, ये आप समझ लीजिए, मतलब जो भारत में पुराने वेद पुराण, उपनिषद, काव्य, महाकाव्य, ये सब जो हैं उन पे आधारित भारतीय समाज का अध्ययन, यही है इंडोलॉजी या भारत वाङ्मय, जिसमें इन्होंने तुलनात्मक, ऐतिहासिक और क्षेत्रकार यानी फील्ड वर्क सबका प्रयोग किया। इन्होंने जनजातियों का भी भारत में अध्ययन किया। तो मेन जो था महाराष्ट्र की कोली जनजाति, महाराष्ट्र की कोली जनजाति का अध्ययन किया, और उनके अध्ययन के पद्धति फील्ड वर्क, है ना, फील्ड वर्क, सहभागी अवलोकन, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट, मौजूद रह के उसका अध्ययन करना। तो इन्होंने कोली जनजाति का अध्ययन किया। और घुरिया साहब जो है नरजाति सिद्धांत से भी, घुरिया जी का सिद्धांत संबंध था, नरजाति मीन्स एंथ्रोपोलॉजी से भी इनका संबंध है। इसके अलावा घुरिया जी ने जाति की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है जातियों की 6 विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन उनकी विशेषताएं, उसका उल्लेख किस तरीके से उन्होंने किया है वो देखिए। जाति जो होती है उसकी 6 विशेषताएँ ये हैं। पहली है समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज का खंडात्मक विभाजन, मतलब जो एक जाति है वो समाज में अलग ही नज़र आएगी, एक पूरा खंडात्मक विभाजन। तो ये उसकी खासियत है जाति की। फिर दूसरा है संस्तरण, हेरार्की। तो हेरार्की अपनी होती है कि ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति है, तो भारत में अभी भी विद्यमान है, अब आधुनिक समय में थोड़ा कमी हो रही है इसमें, जाति प्रथा कुछ ढीली पड़ रही है, लेकिन फिर भी मौजूद है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, भोजन तथा सामाजिक
सहवास का प्रतिबंध। तो ये तो भारत में शहरों में कम है, लेकिन रूरल इलाके में अभी भी है कि कोई उच्च जाति का आदमी है तो निम्न जाति में उसके घर में खाना नहीं खाएगा, उसका छुआ पानी नहीं पिएगा, ये सब बहुत कुछ है। तो नेक्स्ट है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। तो जो लोग भारतीय हैं, भारत के गांव जैसे एरिया में रहे हैं, शहर में तो नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये प्रोमिनेंट नहीं है, गांव में बहुत प्रोमिनेंट है ये सब, है ना, धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। अब ये भी कम हो गया है क्योंकि हमारे संविधान ने ऐसी सुविधा कर दी है। पहले ऐसा था कि मंदिरों में इस जाति का आदमी जा सकता है, ये नहीं जा सकता है, इस तालाब का पानी पी सकते हैं नहीं पी सकते हैं, जैसे आपने अम्बेडकर साहब में देखा है उन्होंने कैसे महार तालाब ये सब आंदोलन किया। तो ये सब जाति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। मतलब जो जिस पेशे का था उसमें अप्रतिबंधित चुनाव, लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो जो पहले जो जो मतलब नाई है तो नाई का काम करेगा, लोहार है तो लोहार का, सुनार है तो सुनार का, तो इस तरीके के पेशे भी थे पहले, एक दूसरे का पेशा नहीं अपना सकते थे, अपना जो पेशा है उसी को करते थे। नेक्स्ट है विवाह संबंधी प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज। मतलब अपनी जात में ही शादी करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ये बंधन ढीला हो रहा है आधुनिक समाज में, लेकिन पहले ऐसा था। तो उन्होंने छह ये विशेषताएं बताई जाति की। नेक्स्ट है तो जाति को उन्होंने जो बताया कि ये जाति जो है ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत है, या राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादकों में घुरिये एवं अब्बे डुबाए प्रमुख हैं। ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत इसी को कहा है उन्होंने, जो ये जाति प्रथा है इसको कहा है उन्होंने ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत है, जिसके कारण ये जाति प्रथा है, उच्च वर्ण निम्न वर्ण ये सब बनाया है इन लोगों ने। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक घुरिये एवं अब्बे डुबाए हैं। और घुरिये जी जो है प्रजाति सिद्धांत को भी मानते हैं, जो रिजले ने दिया है प्रजाति सिद्धांत उसको भी मानते हैं। वे आर्यों अनार्यों के प्रजाति एवं सांस्कृतिक संपर्क को जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मानते हैं। तो मानते हैं जो आर्य आए यहाँ पे और यहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे थे उनको अनार्य कहा इन्होंने, उनके आपस में प्रजाति और सांस्कृतिक संपर्क से ही ये जाति व्यवस्था का वो जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई, उसी के लिए उसी को ये उत्तरदायी भी मानते हैं। नेक्स्ट है अब्बे डुबाई तो साफ साफ कहते हैं कि ब्राह्मणवाद जाति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। ये अब्बे डुबाई का कथन है कि ब्राह्मणवाद जाति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, अब्बे डुबाई साफ साफ कहते हैं। उनकी एक बुक भी है, आ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, अब्बे डुबाई की ही बुक है ये। और जो घुरिया साहब थे वो जाति संबंधी विचार में रिवर्स और हावभाव से प्रभावित थे। तो आर एच रिवर्स तो उनके प्रोफेसर ही रहे थे पीएचडी में, और हाउस उसी समय के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, तो इनके विचारों से ये प्रभावित थे जाति संबंधी विचारों में। और इसके अलावा ये जो है सामाजिक जीवशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र, मतलब सोशल बायोलॉजी, सामाजिक जीवशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र मतलब अर्बन सोशियोलॉजी संबंधी विचारों में घुरिए जो थे पैट्रिक गिट्स से प्रभावित थे। तो इन्होंने पैट्रिक गिट्स से भी के भी निरीक्षण में है ना एक पहला शोध पत्र दिया था, पहला शोध पत्र इन्होंने जो लिखा था वो पैट्रिक गिट्स के ही निरीक्षण में थे, तो इसलिए उनके विचारों से भी प्रभावित थे। अब ये देखिए कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इस तरीके से हैं। बुक्स द शेड्यूल ट्राइब्स 1963 में इन्होंने लिखी है, द शेड्यूल ट्राइब्स। दूसरी बुक है एनाटॉमी ऑफ ए रर्बन कम्युनिटी, एनाटॉमी ऑफ ए रर्बन कम्युनिटी। तीसरी है द इंडियन साधुज 1964 में। फोर्थ है रेस रिलेशन इन नीग्रो अफ्रीका। नेक्स्ट है सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में लिखी इन्होंने। फिर वैदिक इंडिया 1979 में। फिर सेक्सुअल बिहेवियर इन मिडिल क्लास, है ना, ये भी लिखी है इन्होंने, वैदिक इंडिया भी लिखी है। और सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ अमेरिकन फीमेल्स और महादेव कोलीज 1963 में इन्होंने लिखी है। ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आप बार बार पढ़ लीजिए तो याद हो जाएंगी। कुछ और इनका जो
कुछ बातें हैं, कुछ विचार हैं, कुछ उनके कार्य हैं वो रह गए, तो वो आगे लिख बता रहे हैं हम। इन्होंने जो है 1919 में पैट्रिक गिट्स ने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। उसी के बाद जो है जो भारत में समाजशास्त्र विभाग की 1919 में स्थापना हुई मुंबई विश्वविद्यालय में, तो पैट्रिक गिट्स ने की, लेकिन वो भारतीय तो थे नहीं। उसके बाद जीएस घुरिया प्रथम भारतीय विद्वान थे जो भारत, तभी इनको, इसीलिए उनको जो फिर वो वहाँ पे समाजशास्त्र के वो हेड बने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, तो इसीलिए इनको भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। दूसरी, घुरिया ने राजनीतिक समाजशास्त्र विषय पर भारत में सामाजिक तनाव 1968 नामक पुस्तक लिखी थी। भारत में सामाजिक तनाव, राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे, भारत में सामाजिक तनाव 1968 में इन्होंने बुक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, हिंदू और मुस्लिम जो कल्चर है उसके संबंधों की मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल तक की बारे में इन्होंने पूरी समीक्षा की है। आगे नेक्स्ट क्या दिया इन्होंने, तो घुरिया जी ने हिंदू जनसंख्या को जो है, जो हिंदू है उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर उनको छह वर्गों में बांटा है, छह वर्गों में बांटा है। फिर इनका एक ये कथन है काफ़ी फेमस है, और ये अभी 1-2 साल पहले पीसीएस में सेम ऐसे यही सेम क्वेश्चन के रूप में आया था, इसको एक्सप्लेन करना था। तो इनका कथन है, देखिए क्या है, जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है ना। तो अब्बे डुबाई भी ऐसे ही कुछ कह रहे हैं पहले भी, तो वही जाति प्रणाली इंडो आर्य संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ और वहाँ से इसे देश के दूसरे भागों में लाया गया। तो ये कथन है घुरिये साहब का, तो वही अब्बे डुबाई का ही सेम है कहना यही, और वही ये भी कह रहे हैं कि जाति प्रणाली जो है इंडो आर्य संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ, वहीं से पूरे देश में फैली। नेक्स्ट है, घुरिये साहब ने जनजातियों की समस्याओं के समाधान में कहा कि आत्मसात की नीति का उपाय सुझाया। आत्मसात मतलब हम किसी चीज़ को आत्मसात कर लें, मतलब जो हमारे जनजाति हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में ले लें, उनको एक्सेप्ट कर लें, उनको स्वीकार करें, उनको अपने बीच में रखें, तो ये आत्मसात की नीति को उपाय सुझाया, तभी कहा कि उनका जो है समाधान संभव है। भारतीय जनजाति को जो है घुरिया साहब ने, जो भारतीय जनजातियां हैं यानी कि एसटी हैं, उनको कहा है कि पिछड़े दलित वर्ग हैं। जो एसटी थे उनको कहा पिछड़े दलित वर्ग, और जो दलित थे उनको इन्होंने कहा है पिछड़े हिंदू हैं। दलित को कहा पिछड़े हिंदू, और जो एसटी थे उनको कहा पिछड़े दलित। और इन्होंने जो गांव का अध्ययन किया था महाराष्ट्र में लोनी जनजाति के लिए, तो लोनी खंड गांव का अध्ययन करते हुए घुरिये ने उसी टाइम ग्रामीण सामाजिक संरचना का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रामीण सामाजिक संरचना का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, जो लोनी खंड गांव का अध्ययन किया था महाराष्ट्र में तब। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनका, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की वेशभूषा, वास्तुकला और मूर्तिकला के अंतर को घुरिये ने हिंदू विन्यास के रूप में कहा है, कि ये हिंदू विन्यास के रूप में उसको व्याख्या की है। जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की वेशभूषा, वास्तुकला, मूर्तकला, ये सब अंतर है, उसको घुरिये ने कहा हिंदू विन्यास है ये। मतलब कहीं भी अगर प्राचीन कला वास्तुकला है तो हम उसको देख के पहचान सकते हैं कि ये हिंदुओं से संबंधित है कि मुस्लिमों से संबंधित है, तो वही उसी को कहा हिंदू विन्यास। कुछ और बुक्स हैं इनकी, तो देख लिए आप, कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961, बहुत फेमस बुक है ये, कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन CCO 1961, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, ये भी इन्हीं की बुक है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन भी इन्हीं किया, कल्चर एंड सोसाइटी 1945 इन्हीं किया है, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी इन्हीं की बुक है, सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962 इन्हीं की बुक है, द अबॉर्जिनीज सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, ये भी इन्हीं की बुक है। तो ये
पहले कुछ थी बुक्स, और ये उसके अलावा ये कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, तो आप इनको बार बार रिवाइज कर लीजिए जिससे आपको सुविधा रहेगी। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ फ्रेंड्स, थैंक यू।